मित्रों, हम प्राण साधना के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने अंदर के प्राण को जागृत करें, किस प्रकार से आप रिजुवनेशन लाएं और किस प्रकार से प्राण जब जागृत होता है तो क्या होता है। आनंद हो प्राण साधना, ये स्वयं में एक पूरी साइंस है, साइंस ऑफ रिजुवनेशन, शक्ति की साइंस। कैसे मां दुर्गा का अस्तित्व आप अपने अंदर प्राप्त करें और किस प्रकार से वो शक्ति आपके अंदर जागृत हो। तो इसके बीच में हमने अभी तक जो बात की है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो बाकी की वीडियोस को भी जरूर देखें। तो हमने अभी तक जो बात की है वो बात की है कि कैसे आप अपने प्राण को जागृत करें, किस प्रकार से प्राण जो है वो आपके अंदर जागृत होता है, क्या होता है जब जागृत होता है, प्राण में, प्राण साधना में हर्ब्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हमने बात की है। उसके साथ में जो चक्रास, मणिपुर चक्र के बारे में भी मैंने अभी तक थोड़ी सी बात की है, अग्नि के बारे में बात की है, और अब हम चक्रों की तरफ जो है वो चक्रों का सफर, जो चक्रों की यात्रा है वो करेंगे। हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्रों में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर उसके बाद में मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। मूलाधार चक्र को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि उसका तत्व क्या है। उसका तत्व है पृथ्वी। मूलाधार है क्या, सबसे पहले चक्र है क्या, चक्र का अस्तित्व क्या है, इसको जानना भी जरूरी है। क्योंकि ऊपर ऊपर से किसी भी विद्या को समझ लेना और किसी भी बात को समझ लेना बहुत आसान होता है, परंतु उस विद्या को अपने अंदर प्राप्त करना, अपने स्वयं में, स्वभाव में, अपने भाव में उसको प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो शक्ति को अगर प्राप्त करना है तो चक्रों को समझना है। चक्र क्या है पहले तो ये जान लें। हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं उसके कुछ एनर्जी सेंटर्स बन जाते हैं, जहां पे वो चक्र, वो नाड़ियां अपना एक चक्र जैसा शेप ले लेती हैं। तो हमारे 7 एनर्जी पॉइंट्स मैंने बताया, उन्हीं को चक्र कहा जाता है। हम अब बात करेंगे पृथ्वी तत्व के बारे में। सबसे पहले क्या है पृथ्वी, आधार क्या है, मूल क्या है, बेस क्या है पृथ्वी। व्यक्ति का जन्म होता है, पृथ्वी तत्व ही पहले बनता है। व्यक्ति का जब मृत्यु होती है तो पृथ्वी तत्व ही जो है उसमें बचता है, और अंत में भी वो पृथ्वी में ही मिल जाता है। चाहे हम उसे दफनाते हैं, चाहे उसे जलाते हैं, चाहे कुछ करते हैं, पर वो पृथ्वी में ही मिल जाता है। और ये जो साइंस है आनंद हो प्राण साधना, चक्रों की जो विद्या है, अलग अलग मंत्र अलग अलग चक्रों के हैं, अलग अलग तंत्र अलग अलग चक्रों के हैं, अलग अलग क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स, अलग अलग जेमस्टोन्स, अलग अलग हर्ब्स जो हैं वो इसके हैं, अलग अलग चक्रों के। अलग अलग चक्रों में अलग अलग तरह का प्राण निवास करता है। और अलग अलग चक्रों में एक चीज और भी है कि उनका अपना अपना एक एनर्जी है, तत्व है। मूलाधार जो है उसका तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र बनते कैसे हैं, चक्र नाड़ियां जब एक गुच्छा सा बन जाता है, जिसको हम सरल भाषा में बोलूं तो जब एक गुच्छा सा बन जाता है और वो अपने अंदर एक एनर्जी पॉइंट बन जाता है तो वो चक्र बन जाता है। अब हर चक्र का जो अपना अपना तत्व है वो आपके अलग अलग एलिमेंट्स, आपके खुद के एलिमेंट्स पर प्रभाव डालता है। मूलाधार, मूल आधार बातों से ही समझ आता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में, मूल आधार के बारे में बात कर लें। मूल आधार क्या है, सृष्टि का मूल क्या है, आधार क्या है। अब हमारी सृष्टि का मूल क्या है, सृष्टि तो बहुत विराट है, बहुत बहुत विराट है, और बहुत कहीं विभत्स भी है, कहीं वात्सल्य भरी भी है, कहीं प्रेम भरी भी है, कहीं विकराल भी है,
परंतु उसके अलग अलग तत्व हैं। यदि वो विकराल है तो अग्नि ही है, और यदि वो पोषण करने वाली है वो भी अग्नि ही है, परंतु वो पोषण किसको कर रही है, इसीलिए इसको मूल आधार कहा जाता है, इसलिए इसको रूट चक्रा बोला जाता है, इंग्लिश में इसे रूट चक्रा बोला जाता है। तो वो पोषण किसका कर रही है, अग्नि अगर पोषण कर रही है तो किसका कर रही है, अग्नि अगर विध्वंस कर रही है तो किसका कर रही है, आकाश अगर किसी पे प्रभाव डाल रहा है तो किस पे डाल रहा है, अगर वायु कहीं चलायमान है तो किसमें चलायमान है, तो वो है पृथ्वी। अब पृथ्वी में आपकी सभी डिजायर्स आ जाती हैं, सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार की एग्जिस्टेंसेस। अगर ये पृथ्वी नहीं होती तो हम क्या होते, ये पृथ्वी का ही है ना एक नियम है कि ग्रेविटेशन भी है, टाइम भी है, सब प्रकार की ऊर्जाएं इसमें व्यवस्थित भी हैं और अवस्थित भी हैं, नियम भी है, डिस्ट्रक्शन और जो है क्रिएशन का भी नियम है। तो ये मूल आधार है जो आपकी एनर्जी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका आधार है, आपका मूल है, आपका पृथ्वी तत्व है, वो क्या है, मूलाधार चक्र। और वो चक्र जो आपकी सेक्सुअलिटी से लेके आपके शरीर के बनने तक और शरीर के डिस्ट्रक्ट होने तक, कंस्ट्रक्ट होने से लेके डिस्ट्रक्ट होने तक, आपके वाइगर से लेके आपकी ऊर्जा तक, पराक्रम तक, ये प्राण से लेके अपान तक, सभी प्रकार के जो आपके अंदर इच्छाएं उठती हैं, डिजायर्स उठती हैं, ये सब उन्हीं से संबंधित है और उन्हीं की बेस ऊर्जा है। किसी को नाराजगी है, किसी को प्रेम है, किसी के अंदर लालच है, लस्ट है, किसी के अंदर सेटिस्फेक्शन है, किसी के अंदर भूख है, तो ये उसका मूल आधार है। इसके बारे में आगे हम और भी बातें करते रहेंगे, परंतु आज मूल आधार चक्र जिसका तत्व पृथ्वी है, शक्ति जो है वो शैलपुत्री है। तो नवरात्र में कोशिश करूंगा कि चक्रों से संबंधित जो नवदुर्गाएं हैं उनको हम जोड़ सकें, समझा सकें उसका आदेश। और जो ये शक्ति है मूल आधार, जो डिजायर्स की शक्ति है, जो मान लीजिए आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो वो भी तो एक डिजायर है, कोई इच्छा ना करना भी एक इच्छा है। तो ये जो उसका बेस है, किसी भी इच्छा का बेस है, वो मूलाधार से ही बनता है। अपान वायु का स्थान है वहां पे, एनस और आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके सेंटर में मूलाधार है। और सब जो भी हमारे अंदर अपान का काम होता है या हमारा वीर है, शुक्र धातु, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब मूलाधार के बारे में बात करेंगे तो शुक्र धातु की खासकर बात जरूरी है, तो शुक्र धातु इसी से संतुलित होती है, इसी की ऊर्जा से आपके अंदर जो है ब्रह्मचर्य का ऊर्ध्वगमन होता है और इसी से ऊर्जा का अधोगमन भी होता है, यानी नीचे को ऊर्जा जो जाती है, जो ऊपर को उठती हुई ऊर्जा है, जो सालिबेसी की ऊर्जा है वो भी यही है, और जो नीचे को जाती ऊर्जा है वो भी यही है। जो काम है, क्रोध है, या फिर नाराजगी है, अपान है, या फिर लस्ट है, बीमारी है, या फिर स्वास्थ्य है, या फिर लग्जरीज हैं, या फिर शांति है, और या फिर श्रृंगार है, ये सब मूलाधार से ही ऑपरेट होता है, वहीं की एनर्जी है। अगली वीडियो में हम और खोल के बात करेंगे इस पर। तो आनंद हो प्राण साधना में जुड़े रहिए, नंबर एक। नंबर दो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इट नीड्स फंड्स। कोई भी चीजें मैं कोशिश करता हूं आप तक सब रहस्यों को उजागर करने की, सब रहस्यों को आप तक लाने की, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। और क्रिस्टल्स हम लोग एनर्जाइज करके आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं, जेमस्टोन्स आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मंत्रों में, तंत्रों में किस प्रकार का सामग्रियां यूज होती हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक लाने की। आयुर्वेदा को भी हम इसमें जोड़ रहे हैं, मेडिसिनल थिंग्स, बेसिक बेसिक फ्रेग्रेंसेस की
जो शक्ति है वो भी इसमें हम जोड़ रहे हैं। उसके साथ में घर में निगेटिविटीज दूर करने के लिए, आपके लाइफ में निगेटिविटीज दूर करने के लिए, आपके चक्रों को संतुलित करने के लिए जो शक्ति की जरूरत है, जो प्रकृति ने हमें रॉ रूप में उनको प्रोग्राम किया जाता है अलग अलग मंत्रों से, जो शक्ति के मंत्र हैं, अब प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उनके अपने अपने मंत्र हैं, है ना, तो उसको प्रोग्राम करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका प्रेम बना रहे। सपोर्ट करने के लिए यूपीआई आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा कीजिए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मैं जरूर बताता हूं अबाउट चक्रा, अबाउट थिंग्स, अबाउट जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो वो जरूर आप देखा कीजिए। और चक्रों की ऊर्जा को जानिए, समझिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, आनंद हो के साथ जुड़े रहिए। यदि आप आनंद हो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये QR कोड है, इस पे आप स्कैन करके कुछ हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, UPI ID के द्वारा, अकाउंट नंबर के द्वारा, ये सब डिटेल्स मैं नीचे जरूर दूंगा।